भाई बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों का किसके दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये भी अलग अलग होता है हर किसी के साथ। इसीलिए चलिए आपको बताता हूँ कि अली गुनी के साथ फिलहाल क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, सो देखिए क्या है, लेट नाइट ऐसा देखने को मिला कि अली गुनी फिर से अर्शी खान से जो है अपनी हेड मसाज ले रहे हैं, चंपी ले रहे हैं। यहाँ पर राहुल वैद्य आते हैं, थोड़ा सा अली गुनी परेशान देखे, तो राहुल वैद्य ने पूछा क्या हो गया तुझे, तो अली गुनी कहता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, रात में मैं छत फान के भाग जाऊंगा। इस तरीके से अली गुनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो राहुल वैद्य कहते हैं कि रिलैक्स कर, चिल कर, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम डाउन है ना, ठीक हो जाएगा, इतना मत सोच, आराम से चिल कर, रिलैक्स कर, ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर राहुल वैद्य। लेकिन इस पर अली गुनी कहते कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगर मेरी खुद की लड़ाई हो रही होती ना तो भी मेरे को चल जाता, अभी मैं ये दूसरों की लड़ाइयां सुन सुन के, कभी इधर से ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सब चेचे पपो हो रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं जिस तरीके से घर में लड़ाइयां हो रही हैं, देवोलीना की, राखी की, सब लोगों की लड़ाइयां हो रही हैं, तो उस वजह से वो सारी आवाजें सुन सुन के अली गुनी थोड़े से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और इसीलिए वो राहुल वैद्य से ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई शो अभी बहुत क्रूशियल मोमेंट पर है, और ऐसे में ऐसी बातें अली गुनी के लिए नुकसान कर सकती है, मतलब अभी उनको स्ट्रांग रहना होगा, कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए। हालांकि ये शो ही ऐसा है कि किसी ना किसी मोड पर किसी ना किसी कंटेस्टेंट को ऐसी फीलिंग आ ही जाती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। राहुल वैद्य को आ चुकी है, रुबीना को आ चुकी है, अभिनव को आ चुकी है, अब अली गुनी को आ चुकी है, बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग आ चुकी है। लेकिन भैया ये शो ही ऐसा है कि इस फीलिंग को भी दबा कर रखना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तो देखते हैं अली गुनी आने वाले हफ्तों में किस तरीके से नजर आते हैं। अभी के लिए इतना ही, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय।